कल रात मैं यही सोच रहा था, इस बार वीडियो में क्या बनाना है। मेरे माइंड में कुछ ऑब्जेक्ट्स आए, जैसे सीजर, सनग्लासेस, लॉक, प्लेइंग कार्ड्स। फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ट्राई किए, बट मैं कंफ्यूज हो गया था। इन चारों ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या बनाना चाहिए? उसके बाद मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्च करने लगा। मुझे मिली पुरानी अलमारी से एक वॉच। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा 3D वॉच, वो भी स्टील इफेक्ट की। जी हाँ गाइस, आज का ड्राइंग बहुत कमाल का होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा ड्राइंग जो कि आज हम बनाने वाले हैं। आई होप कि ये ड्राइंग आपको रियल दिखाई दे रहा होगा, बट ये 3D आर्ट है। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉम्स कलर पेंसिल का। 24 शेड्स वाली ये पेंसिल बहुत बढ़िया और बहुत कमाल की है और डार्क ज़्यादा चलती है। और ये है फाइबर कास्टल कनेक्टर पेन, जिसे स्केच पेन के नाम से भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे वाटर कलर का और एक्रेलिक कलर, वाइट, रेड एंड ब्लैक। और ये है क्रीमी वाइट जेली पेन। इसे हर आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग के लिए यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए हम टाइप का यूज़ कर रहे हैं। टाइप से हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वॉच का ऊपर वाला हिस्सा एकदम गोल है। एक सर्कल बनाने के बाद हम इसी सर्कल के अंदर दो सर्कल और बनाएंगे। अगर आपके पास कोई वॉच है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, तो उसी वॉच को देखकर आप स्केच को ट्राई कर सकते हो। पेंसिल को पहले रफ चलाना है, उसके बाद उसे डार्क करना है। इसी तरह से हम स्केच बनाएंगे तो हमारा स्केच बहुत बढ़िया बनेगा। शीट के दो सर्कल हमने इसलिए काटे हैं ताकि हमें स्केच बनाने में आसानी हो, क्योंकि हमारी वॉच इसी तरह दिखाई देती है। तो गाइस, हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। स्केच कंप्लीट होने के बाद हम यूज़ करेंगे वाटर कलर का। वाटर कलर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा कलर कहाँ होगा।
वाटर कलर सूख जाने के बाद हम यूज़ करेंगे कलर पेंसिल का। कलर पेंसिल से हमें शेड देनी है, पहले हल्की फिर डार्क। ये वाइट कलर जो है एक्रेलिक है, वाइट कलर से ये रियल दिखाई देगा। धीरे धीरे जो है स्टील इफेक्ट वॉच में दिखाई दे रहा है। वॉच की एक चेन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वॉच के ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ भी हमें वाटर कलर का, फिर कलर पेंसिल का, इसके अलावा स्केच पेन का यूज़ करना है। हमें ध्यान से कलर यूज़ करना है। स्केच को तो हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन ये तो ड्राइंग है, इसे हम कैसे इरेज करेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से हमें कलर डालना है।
तो गाइस अब हम आ गए हैं वॉच की दूसरी वाली चेन पर। इसे भी हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने पहली वाली चेन को ड्रॉ किया था। वॉच बन जाने के बाद शैडो बनाएंगे। शैडो ब्लेंड करने के लिए आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो। शैडो को बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड करना है। शैडो बनाने के बाद जहाँ जहाँ हमने वाइट कलर दिया था उसी जगह हम वाइट कलर देंगे। इसी ट्रिक से हमारा वॉच एकदम रियल दिखाई देगा। तो गाइस कैसा लग रहा है हमारा वॉच? लग रहा है ना एकदम रियलिस्टिक। और गाइस इंस्टा पर भी जाओ, वहां पर मेरी और भी ड्राइंग्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।